हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बनाएंगे बच्चों का फेवरेट ब्रेड पिज़्ज़ा। और पिज़्ज़ा का नाम सुनते ही तो बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं। पिज़्ज़ा बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। सो फ्रेंड्स, चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं हम पिज़्ज़ा और बच्चों को कराते हैं पिज़्ज़ा पार्टी। सो सबसे पहले हमने उसके लिए लिया है शिमला मिर्च। एक शिमला मिर्च है बड़े साइज़ की, और ये दो टमाटर, दो छोटे साइज़ की प्याज है, और ये लिया है चीज़। आप इसमें कोई भी चीज़ डाल सकते हैं, ये मोजरेला चीज़ है। और ये लिया हमने बड़ी ब्रेड। आप छोटी ब्रेड पे भी इसको बना सकते हैं, या फिर वाइट ब्रेड हो या ब्राउन ब्रेड, कोई भी ब्रेड पे। और अब हम एक बोल में डाल लेंगे सभी वेजिटेबल्स कटी हुई, शिफ्ट कर लेंगे सारी। ये देखिए इस तरह हमने, और चीज़ को रख देते हैं साइड में, और इनको सबको मिक्स कर लेते हैं। और तब तक हमने गैस के ऊपर एक पैन चढ़ा दिया है प्री हीट होने के लिए, जिसमें हमें पिज़्ज़ा बनाना है। और इसमें डालेंगे ओरिगेनो 1 टेबल स्पून, इसमें हमने ओरिगेनो डाला है, 1/2 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, और अब डालेंगे हम ये 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर, और ये टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल लेंगे। आप इसमें नमक ज़्यादा ना डालें, टेस्ट कर लें। और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम ले लेते हैं बोल जिसमें हमें बनाना है पिज़्ज़ा के लिए सॉस। सो सबसे पहले हम इसमें टमेटो केचप डालेंगे। ये 2 से 3 टेबल स्पून हमने टोमेटो केचप डाला है, और ये है सीजवान चटनी 1 टेबल स्पून, और ये 1/2 टेबल स्पून से भी कम है चिली फ्लेक्स, और ये 1 पिंच हमने डाला है इसमें ओरिगेनो। इसको कर लेते हैं अच्छे से मिक्स, ये देखिए इस तरह से। और ये पिज़्ज़ा सॉस बनकर हमारा तैयार है। और अब लेते हैं एक ब्रेड जिस पे हमने पिज़्ज़ा बनाना है, और इसको पिज़्ज़ा सॉस को स्प्रेड कर लेंगे इसके ऊपर, ब्रेड के ऊपर। इसको हमें अच्छे से पूरी ब्रेड के ऊपर स्प्रेड करना है। ये देखिए आप देख सकते हैं, डाल देते हैं इसके ऊपर ये कटी हुई वेजिटेबल्स। आप इसमें कोई भी वेजिटेबल्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि शिमला मिर्च कलरफुल वाली, या फिर मशरूम, स्वीट कॉर्न भी यूज़ कर सकते हैं, पनीर वगैरह कुछ भी जो आप पसंद करते हों। ये हमने सभी वेजिटेबल्स को फैला लिए ब्रेड के ऊपर। और अब ये डालेंगे चीज़, और चीज़ हमें थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में डालना है, तभी बच्चों को बहुत पसंद आएगा ये। ये देखिए आप देख सकते हैं, इसके ऊपर हमने चीज़ डाल दिया है। और अब डाल देंगे इस ब्रेड को उठाकर पैन में, जो कि हमने गरम करने के लिए रखा है। और ब्रेड रखने से पहले हम इसको ग्रीस कर लेंगे बटर या फिर घी से। ये देखिए हमने ब्रेड को आराम से उठा के रखा है, और 7 से 8 मिनट तक इसको ऐसे ही पकने दें। और 7 से 8 मिनट के बाद ये देखिए पिज़्ज़ा बनकर तैयार है, और चीज़ भी मेल्ट हो गई है, और ये पिज़्ज़ा कितना अच्छा दिख रहा है। इसको कर लेते हैं हम प्लेट में शिफ्ट, और कर लेते हैं इसके पीसेस। ये देखिए फ्रेंड्स, आप इसको 4 पीसेस में काट सकते हैं, या फिर 2 अगर आपके पास छोटी ब्रेड हो तो आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं। और ये कितना अच्छा दिख रहा है, बच्चे तो खुश हो जाते हैं इसको खा के। सो फ्रेंड्स, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ब्रेड पिज़्ज़ा हमारा कैसा बना। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि उससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे। इसीलिए आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।